11 बार तो पढ़ी ले। देखिए इसमें सबसे पहले आप इसके पीछे में देखोगे तो इसमें यही लिखा हुआ रहेगा कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजिकल एंड 20% मेथोडोलॉजिकल। नमस्कार, मेरा नाम भरत झुंझुनवाला है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली में। दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपसे कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूंगा और ना ही कोई टेक्निक आपको बताऊंगा, बल्कि मैं आपके साथ वो चीज डिस्कस करूंगा जो ट्रेडिंग में सबसे बेसिक जरूरी और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए। वो होता है राइट साइकोलॉजी, राइट माइंडसेट और राइट तरीका मार्केट को अप्रोच करने के लिए। वैसे बहुत सारे राइटर्स ने इस साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर अपने किताब लिखे हैं, वर्क्स दे हैव वर्क्ड बिहाइंड इट, बट इनमें से जो सबसे प्रैक्टिकल मुझे लगते हैं वो है दो बंदे, एक तो है डॉक्टर वॉन्थ्रॉप और दूसरे हैं मार्क डगलस। तो आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की किताब के बारे में। दोस्तों मार्क डगलस डिफाइन करते हैं जोन को। जोन वो एरिया होता है जहां पर अगर ट्रेडर पहुंच जाए तो वो साइकोलॉजिकली अनऑल्टर्ड होता है और अपने माइंड को वो इस तरह से डेवलप कर लेता है कि उसे अपने सिस्टम्स पर पूरा भरोसा होता है, अपने ट्रेडिंग मेथड्स पर पूरा भरोसा होता है, क्या रिस्क है वो पहचानता है, क्या रिवॉर्ड है पहचानता है, कौन से ट्रेड को लेना चाहिए कौन से ट्रेड को नहीं लेना चाहिए और हर एक न्यूज से या हर एक इवेंट से अनऑल्टर्ड होके वो अपनी ट्रेडिंग के तरफ ही सिर्फ फोकस करता है। तो उस जोन और उस फोकस पे पहुंचने के लिए मार्क डगलस की किताब से मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए चुन के निकाले हैं और लास्ट में मैं इन पॉइंट को समराइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को आप अपने नॉर्मल ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों कई बार मेरे पास ये रिक्वेस्ट आती है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं, उनको कौन कौन से बुक को रेफर करना चाहिए या कौन कौन से कोर्सेज को रेफर करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ बुक्स की जो मैंने अपनी टेक्निकल जर्नी शुरू करते समय रेफर की थी और वो बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको बताऊंगा। तो आप भी वो बुक को कहीं से भी बोरो करिए, खरीदिए, किंडल पे लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, पढ़िए और आपको मैं बोलता हूं अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, आगे जब हम चलेंगे तो इंटरमीडिएट लेवल्स की बुक्स की बात करूंगा और फिर मैं एडवांस लेवल्स की बुक्स की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले एक बिगनर के पास क्या स्टैक होनी चाहिए, किन बुक्स की स्टैक होनी चाहिए, मैं उनकी बात आपके साथ आज करूंगा और आपसे शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा पूरा वीडियो जरूर से। और हाँ, अगर अभी आप ये चैनल देख रहे हैं और अभी तक हमने को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करा लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रेडिंग इन द जोन विद मार्क डगलस। दोस्तों पहला टेक अवे, मार्केट इज ऑलवेज करेक्ट और वो इनफाइनाइट वेज से रिएक्ट करता है और इनफाइनाइट वेज से चलता है। तो मार्केट किसी की नहीं सुनता, फाइनली वही बॉस होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो सपोर्ट दिख रहा हो मार्केट उसकी इज्जत करे या रिस्पेक्ट करे, या जो मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है मार्केट उसकी इज्जत करे या उसको रिस्पेक्ट करे। मार्केट को जो करना होता है मार्केट वो करता है। एक एग्जांपल मार्क डगलस देते हैं कि एक नया बंदा ट्रेडिंग सीख के या फाइनेंशियल मार्केट से अच्छा क्वालिफाइड बंदा, एक्सपीरियंस बंदा आया था और एक हेज फंड में काम कर रहा था। तो वहां पर वो सोयाबीन को ट्रैक कर रहा था, सोयाबीन के ट्रेड को ट्रैक कर रहा था और अपने बॉस को उसने कहा कि सर ये सोयाबीन जो है अभी सपोर्ट पे आ रहा है और आई एम एक्सपेक्टिंग टू सोयाबीन टू टेक सपोर्ट हियर एंड बाउंस बैक। तो उनके बॉस ने कहा कि या इज इट सो, तुम सोचते हो कि सोयाबीन यहां पर सपोर्ट खाएगा? तो वो उन्होंने कहा कि हाँ सर यहां पर सपोर्ट है और सोयाबीन को यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए। तो फिर उसके बॉस ने बोला कि लुक एट दैट, उन्होंने फोन उठाया, अपने डीलर को फोन किया और बोला कि हमारे जितने भी सोयाबीन के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है सब बेच दो। जैसे ही उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेचा मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा और नीचे गिरना शुरू हो गया, सोयाबीन क्रैश कर गया। तो उसके बॉस ने उस ट्रेडर को कहा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो ये कोई भी कर सकता है। तो मार्केट जो है बहुत अलग, बहुत इनफाइनाइट वेज से रिएक्ट करता है, मार्केट बहुत इनफाइनाइट वेज से
अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मार्केट हमेशा बॉस होता है, याद रखिएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि मार्केट को आप चला रहे हो या एक इंडिकेटर आप जो यूज कर रहे हो, जैसे मैं RSI यूज करता हूं, तो मैं अगर सोचने लगूं कि RSI ही मार्केट को चला रहा है, ऐसा नहीं है सर। मार्केट इज द बॉस, मार्केट के पीछे ही सारे इंडिकेटर बनते हैं और सारे इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करते हैं, कभी भी मार्केट को लीड नहीं करते। तो ये पहला टेक अवे हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट इज द बॉस। दूसरा टेक अवे, हमें अपने डर को, जो ट्रेडिंग का डर हमें है, उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। इसमें मार्क डगलस एग्जांपल देखते हैं कैसीनो का। समझिए, आप कैसीनो में खेलने गए और आपने स्लॉट मशीन पे बैट लगाई और पहले ही बैट में आपको फायदा हो गया लाख रुपए का, आप खुश हो गए क्योंकि आपको फायदा हुआ है। तो अब आपके इस फायदे से तक कैसीनो डर जाएगा और कैसीनो क्या अपना बिजनेस बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि कैसीनो को पता है कि लॉन्ग टर्म में कैसीनो ही जीतेगा, क्योंकि वो जो सिस्टम है, वो जो ऑड्स है, वो उनके फेवर में है। तो कैसीनो कभी एक सौदे से या कभी एक कोई गेम से अपने आप से नहीं डरता है और ना ही अपने कैसीनो को बंद करता है, ना ही अपने बिजनेस को बंद करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब दिन खत्म होता है, जब दिन पूरा खत्म होगा, तो कैसीनो को पता है कि ऑड्स उनके फेवर में है, तो उनको एंड ऑफ द डे फायदा ही होगा और वो घर पैसे लेके ही जाएंगे। उसी तरह से आप अगर ट्रेडर हो तो एक ट्रेड के नुकसान से या एक ट्रेड के फायदे से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ओवर द मल्टीपल ट्रेड्स हमें उसका अपना एनालिसिस करना चाहिए अपने स्टेटमेंट का, और याद रखना चाहिए कि एक सिंगल ट्रेड आपके फेथ को या आपके ट्रेडिंग करियर को डिसाइड नहीं करेगा। जो एक प्रो ट्रेडर होता है वो हमेशा जानता है कि हर एक इवेंट जो मार्केट में हो रहा है वो रैंडम है, हर एक आउटकम जो मार्केट में हो रहा है वो रैंडम है। लेकिन अगर वो यही इवेंट और यही जो अपने ट्रेड्स है वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर दोहराए, तो उसको पता होता है कि ऑड्स जो फाइनली है उसके फेवर में है और उसे इस ऑड से फायदा होने वाला है, एंड ऑफ द डे फायदा होने वाला है। तो एक प्रो ट्रेडर की सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो एक सिंगल इवेंट से या सिंगल ट्रेड से डरता नहीं है। अगर लॉस हो गया तो ही एक्सेप्ट्स द लॉस, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले टाइम पे मल्टीपल ट्रेड्स अगर वो लेगा तो उसे फायदा होगा। तीसरा टेक अवे जो मार्क डगलस से ये ट्रेडिंग इन द जोन से मुझे मिला, वो है कि हमें एक तो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट लेके मार्केट में उतरना चाहिए। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहला कि भाई आप रॉन्ग होंगे, आप जो ट्रेड लगाते हो उस पे 100% प्रोबेबिलिटी सक्सेस की भी है और 100% प्रोबेबिलिटी फेलियर की भी है। इसका मतलब दोनों बराबर चांस है कि ट्रेड के सक्सेस होने का और फेल होने का। ये माइंडसेट लेके आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। हर एक बार आप ट्रेड लोगे और आप सोचोगे कि प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक ट्रेड का आउटकम, ये जो आपने समझिए, पहला ट्रेड लगाया वो प्रॉफिटेबल हुआ, दूसरा ट्रेड लगाया वो प्रॉफिटेबल हुआ, जब आप तीसरा ट्रेड लगाते हो क्या आपको पता होता है कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? नहीं, आपको नहीं पता होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये तीसरे ट्रेड का आउटकम पता है कि क्या होगा, तो आप ये बहुत गलत सोच रहे हैं और आपको अपनी माइंडसेट अभी तुरंत ही चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर एक इवेंट जो मार्केट में होता है वो रैंडम होता है। आप किसी भी हाल में पता नहीं कर पाओगे कि इस ट्रेड का आउटकम क्या होगा। उसी तरह से समझिए, आपके पास एक सिस्टम है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ओवर द टाइम, ओवर द ट्रेड टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 60% है। तो जब सोचिए, अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड लॉस हुआ, चौथा ट्रेड लॉस हुआ, तो पांचवा ट्रेड में सिस्टम के हिसाब से आपको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि ऑड्स जो है आपके फेवर में है। तो हम क्या करते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे चार पहले लॉस के बाद ही हम उस सिस्टम को अबैंडन कर देते हैं या हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं, और जब वो सिस्टम प्रॉफिटेबल होने लग जाता है तो हम दूसरे सिस्टम में कूदते हैं जहां पर लॉस होता है, और फिर हम देखते हैं कि जो सिस्टम हम पहले यूज कर रहे थे वो प्रॉफिटेबल हो गया, तो फिर हम उस सिस्टम पर जंप करते हैं। तो ये जनरली होता है, सबके साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ है और अभी भी होता है कई बार। तो दोस्तों, ये प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट लेके हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा। हमें ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हर एक ट्रेड का जो आउटकम होता है वो यूनिक होता है, एक ट्रेड का पिछले ट्रेड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो पिछला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल है तो ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होगा, इससे इस ट्रेड, ये दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दोनों जो इवेंट है वो यूनिक इवेंट है। ये आप ऐसे भी समझो कि समझिए, पहला जो ट्रेड है उसका बायर मैं हूं, सेलर आप हैं, तो ये प्रॉफिट हुआ मुझे, मैं ट्रेड लेके निकल गया। तो एक ट्रेडर, मैं ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेड लेके मैं निकल गया।
अब दूसरी टाइम जरूरी नहीं है कि आप ही सेलर हो, कोई और सेलर हो सकता है, या जरूरी नहीं कि मैं ही बायर हो। तो जब बंदे यूनिक हैं तो ट्रेड का आउटकम भी यूनिक ही होगा। तो अगर आप अपने पिछले ट्रेड से आने वाले ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी नापते हो कि भाई मेरा पिछला 5 ट्रेड एकदम सक्सेसफुल हुआ है, वो छठा ट्रेड ही सक्सेसफुल होगा, तो मैं पिछले 5 ट्रेड पे अगर 2% रिस्क ले रहा हूं तो इस छठे ट्रेड पे मैं 15% रिस्क लेके चलता हूं, मुझे मालूम है कि ये भी प्रॉफिटेबल होगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर एक इवेंट, हर एक ट्रेड, हर एक आउटकम यूनिक होता है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्क डगलस हमें ये हमेशा समझा रहे हैं इस किताब में, बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि मार्केट मूवमेंट जो होती है वो इंडिविजुअली रैंडम होती है, लेकिन एक नंबर ऑफ सीरीज में, नंबर ऑफ टाइम में वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी, क्योंकि ऑड्स जो है वो आपके फेवर में रहता है। चौथा टेक अवे इस किताब से है, मार्क डगलस कहते हैं कि एक कंसिस्टेंट प्लेयर बनने की कोशिश हमें करना चाहिए। तो कंसिस्टेंट प्लेयर हम कैसे बने? पहला वो कहते हैं कि अपने एज को पहचानो, अपने सिस्टम को पहचानो, जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं उस सिस्टम को पहचानिए, उस सिस्टम को बैक टेस्ट करिए, उस सिस्टम के बाल की खाल उखाड़ दीजिए अपने पैसे लगाने से पहले। तो कोई भी यूट्यूबर अगर आपको बोलता है, या मैं भी आपको कोई सिस्टम आपके साथ शेयर करता हूं, तो मेरे पर अंधा पूरा भरोसा मत करिए, अपने आप उस सिस्टम को ट्रेड करिए, क्योंकि इसमें रियल मनी इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, इसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। अब आप समझिए, एक आईफोन लेने से पहले या कोई भी फोन लेने के पहले 10,000-20,000 का हम फोन लेते हैं, उसके पहले हम कितनी रिसर्च करते हैं, इससे दुकानदार से जाके 1 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, इंटरनेट पे खोजते हैं, और फिर हम फोन लेते हैं। तो 20,000 का फोन लेने के पहले अगर हम इतनी रिसर्च कर सकते हैं, तो एक ट्रेडिंग सिस्टम जिसपे हम अपने पैसे को स्टेक पे लगा रहे हैं, लाख लाखों रुपए लगाएंगे, अपने कैरियर को स्टेक में लगाएंगे, तो उसे क्या हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमें क्या बेसी देर नहीं सोचना चाहिए? तो दोस्तों, हमेशा पहला रिकॉग्नाइज योर एज एंड ऑलवेज बैक टेस्ट इट थरोली बिफोर पुटिंग इन योर रियल मनी इनटू द सिस्टम। दूसरा, प्री डिफाइन योर रिस्क बिफोर एवरी ट्रेड। इसका मतलब ट्रेड लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर इस ट्रेड में ये ट्रेड अगर फेल हो जाता है तो आपको कितने रुपए का नुकसान होगा, या आपको कितना नुकसान होगा। बहुत जरूरी है अपने रिस्क को पहचानना, सब समय बहुत जरूरी है। अगर आप अपने रिस्क को पहचान लेते हो तो आधा जो आपका फियर है, आधा जो आपका अनसर्टेनिटी है, वो आपके माथे से ऐसे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एनी हाउ मैं तो 20,000 रुपए, अगर मैं रॉन्ग होता हूं तो मैं ट्रेड में 20,000 रुपए या कितने भी जो मेरा रिस्क परसेंटेज है उतना तो खोऊंगा ही। तो आपका अगर रिस्क प्री डिफाइंड होता है तो आपको ट्रेड लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और रिस्क को डिफाइन करने के साथ साथ हमें उस रिस्क को एक्सेप्ट भी करना है। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रिस्क को एक्सेप्ट करिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी एक ट्रेड में 20,000 रुपए या 30,000 रुपए से बेसी का स्टॉप लॉस खाने की है तो आप उससे बेसी स्टॉप लॉस प्लीज मत करिए। आप जो रिस्क ले रहे हो उस रिस्क को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आप इस रिस्क के साथ कंफर्टेबल हो। मैं जानता हूं आपको ये अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मेरे को पता है कि मेरा सिस्टम जो है 60% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होता है, तो 40% ऑफ द टाइम वो अनसक्सेसफुल होगा। तो मैं अगर सीरीज ऑफ ट्रेड लेता हूं, समझिए मैं 10 या 20 ट्रेड लेता हूं, समझिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 20 ट्रेड लेता हूं तो मुझे मालूम है कि 8 ट्रेड जो है वो फेल होंगे। तो अगर हर एक ट्रेड में मैं 20,000 का रिस्क ले रहा हूं तो 8 ट्रेड में मुझे 1,60,000 रुपए का लॉस होगा। तो इस चीज के साथ, ये 1,60,000 रुपए के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जो मैंने अभी आपको 8 लूजर्स की बात की, जो 20 ट्रेड में जो 8 लूजर्स होंगे वो कब आएंगे। हो सकता है शुरुआत के 8 ट्रेड ही 8 लूजर्स हो जाए, या शुरुआत के 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, बाद के 8 ट्रेड 8 लूजर्स हो जाए। तो आपको पता नहीं कि वो लूजर्स एक्चुअली आएंगे कहां पर, वो 20 ट्रेड के सीक्वेंस में वो लूजर्स कहां आएंगे आपको नहीं पता। तो आपको ओवरऑल रिस्क जो आप जानते हो कि 1,60,000 रुपए मैं नुकसान करूंगा, मैं मुझे पता है और मैं उस रिस्क को एक्सेप्ट करता हूं, मैं मार्केट में जाने को तैयार हूं उस रिस्क के साथ। तो जब आप वो रिस्क को एक्सेप्ट करें तभी आप मार्केट में उतरे। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपके पास एक सिस्टम आ गया है, आपने उसको बैक टेस्ट कर लिया है, आपको कॉन्फिडेंस है उस सिस्टम पे, तो उस सिस्टम पे ट्रेड लेने से आप किसी भी हालत में हेजिटेट नहीं करोगे। हाँ जी, ये आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपने सिस्टम को बैक टेस्ट किया है, आपको इस सिस्टम पे पूरा भरोसा है, आपने सिस्टम को एक्सटेंसिवली रीड किया है, तो अब
आप इस सिस्टम को बिना किसी हेजिटेशन के आप इस सिस्टम को अप्लाई करोगे हर एक मार्केट कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका सिस्टम बाय बोल रहा है और टीवी पे एनालिस्ट या आपका दोस्त बोल रहा है कि मत खरीद सेल कर, लेकिन आप किसी भी चीज को सुने बिना अपने सिस्टम पे पूरा भरोसा रखोगे एंड यू विल गो एज पर योर सिस्टम। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हम अपने सिस्टम को ओवरडू कर देते हैं और हम अपने सिस्टम के अगेंस्ट में चले जाते हैं और इससे हमें लॉस होता है और साथ साथ जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है। फाइनली पांचवा टेक अवे, जो मार्क डगलस कहते हैं कि आप कैसीनो की तरह कैसे ट्रेड कर सकते हैं या आप उस जोन में कैसे जा सकते हैं जहां आप ट्रेडर ऐसे ट्रेडर हो जाओ जहां आप किसी भी इमोशन से अनऑल्टर्ड है, किसी भी इमोशन से अनइन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप वैसे ट्रेडर कहां कब कैसे बन सकते हो, उनके लिए उन्होंने चेकलिस्ट दी है। पहला चेकलिस्ट है कि अपने मार्केट को पहचानो, आपको क्या ट्रेड करना है। अगर आप स्टॉक्स में कंफर्टेबल हो तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, कमोडिटी में कंफर्टेबल हो, कुछ भी कहीं पर भी आप जहां कंफर्टेबल हो वहां ट्रेड करो। मार्केट को पहले पहचानो और उस मार्केट की रिस्क को पहचानो, उस मार्केट के कैरेक्टर को पहचानो और वहां पर ट्रेड करो। दूसरा, आपके पास एक बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए जो ऑड्स को आपके फेवर में रखे हमेशा। तो याद रखिएगा, ऐसा सिस्टम जो ऑड्स को आपके फेवर में रखे एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग मल्टीपल सीरीज ऑफ ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो, ऑड्स आपके फेवर में हो, वैसा सिस्टम आप चूज करिएगा। तीसरा, अपने रिस्क को पहचानो और उसे एक्सेप्ट करो। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलत हो तो कितना आप खोओगे और ये जितना आप खोओगे उससे आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो ये चीज जरूरी होता है। तो हमें पहले तो एक मार्केट चाहिए, सेकंड एक सिस्टम चाहिए, तीसरा एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें अपना स्टॉप लॉस बता दे, चौथा हमें उस स्टॉप लॉस से अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, पांचवा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिले। देखिए, सब्जेक्टिव एंट्री पॉइंट नहीं हो, परफेक्ट एंट्री है, मतलब यहां एंटर करना है तो एंटर करना है, यहां एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट डिफाइन होना चाहिए। तो आपके पास एक, जैसे कि अगर हम हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हो तो हमें पता है कि नेकलाइन टूटने पर हमें एंटर करना है, कप एंड हैंडल यूज करते हैं तो हमें पता है कि जब वो नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रीज हो तो हमें एंट्री करना है, तो एक डिफाइंड एंट्री होनी चाहिए। एग्जिट तो हम, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जिट के बारे में हमें नहीं सोचना हो तो हम ट्रेल करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से लोगे, लेकिन एंट्री पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये थे मार्क डगलस से, मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन से लिए हुए कुछ टेक अवेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और दोस्तों, सही मानिए, कई बार बहुत बार होता है कि मैं बार बार जाके इन किताब को पढ़ता हूं, इस किताब खासकर मार्क डगलस की दोनों जो किताबें हैं ट्रेडिंग इन द जोन और डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दोनों किताबों को मैं बार बार पढ़ता हूं, क्योंकि इससे हर बार आप जितनी बार इन किताबों को पढ़ोगे आपको उतनी बार कुछ ना कुछ नया इन किताबों से सीखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये जो घटनाएं उन्होंने किताब में लिखी है वो असली में आपके साथ हो चुकी है, हो रही है, और आपको उन घटनाओं से या उन मेंटल ब्लॉक से आपको ओवरकम करने का ये एक तरीका बताएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अच्छी तरह से इस किताब को पढ़ोगे, इन डेली एक्सरसाइजेस को करोगे, तो वो जो जोन में पहुंचना होता है उस पर आप जरूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं किताबों की तरफ। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ किताबों के नाम जो आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको रेफर करनी चाहिए अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए, या आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। बेसिक आइडिया क्या, मैं कहता हूं आपको एक वर्केबल आइडिया मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, उसे हमें कैसे यूज करना चाहिए। सबसे पहला किताब है मार्टिन प्रिंग ऑन प्राइस पैटर्न। तो ये जो किताब है ये मैं बिगिनर्स के लिए रेफर तो कर ही रहा हूं, साथ में जो इंटरमीडिएट लेवल्स के बंदे हैं या एडवांस लेवल के बंदे हैं वो भी ये किताब को जरूर पढ़े। इस किताब में टेक्निकल एनालिसिस को इनसाइड आउट कर दिया है मार्टिन पिंग ने, और बहुत अच्छी तरह से इसमें टेक्निकल पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक्स को, लाइन चार्ट्स को, बार चार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मोमेंटम को काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा। मैं अभी भी इस किताब को काफी बार रेफर करता हूं अपने डेली यूसेज में और पढ़ने की कोशिश करता हूं, और जब भी मुझे लगता है कि इसमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा बहुत बार होता है कि बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है तो बर्न आउट हो जाते हैं ट्रेडिंग करते करते, तो उस समय जो ऑफ सीजन जिसे हम बोलते हैं कि थोड़ा ऑफ सीजन ले ट्रेडिंग से एक दो महीने की या महीने भर की छुट्टी, तो उस समय ये किताब मैं
वापस जरूर रेफर करता हूँ, नोट्स बनाए हुए हैं मेरे इस किताब में, तो उन नोट्स को मैं रेफर करता हूँ, उन किताब को वापस रेफर करता हूँ, वो काफी अच्छी किताब है। और दोस्तों एक बार पढ़ने से जो किताब मैं आपको रेफर कर रहा हूँ वो एक बार पढ़ने से नहीं होती। जैसे हम घर में पाठ करते हैं, पंडित जी हमें आके बोलते हैं कि 11 पाठ करो या 21 पाठ करो तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसी तरह से इस किताब की कम से कम अगर आप जो बिगिनर लेवल के बंदे हैं तो कम से कम आपको इस किताब के 11 पाठ करने पड़ेंगे। 11 बार इस किताब को कम से कम मिनिमम पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को अपडेट करते रहिए। ये किताब दोस्तों बहुत अच्छी किताब है एज ए बिगिनर टेक्निकल एनालिसिस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं। दूसरी किताब है ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव निशान। दोस्तों ये किताब में स्टीव निशान ने कैंडलस्टिक्स के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। हालांकि पूरी किताब अगर आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको मिलेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरी किताब को पढ़ो। हमारी कैंडलस्टिक की एक सीरीज है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखो, उसमें जो कैंडल्स के बारे में हमने बताया है कम से कम उन कैंडल्स को छांट लो और इसमें से पढ़ो। और इसमें एक सेक्शन है ईस्ट मीटिंग वेस्ट, मतलब कि कैंडलस्टिक्स को इंडिकेटर्स के साथ कैसे मिक्स करके यूज किया जाए वो स्टीव निशान ने बताया है। तो ये किताब मैं आपको वापस रिकमेंड करता हूं एज अ बिगिनर, ये किताब आप जरूर पढ़िए, इंडिस्पेंसिबल टूल है। बिगिनर नहीं, हर एक लेवल के बंदे इन किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी तरह से इलाबोरेट करके स्टीव निशान ने हर एक कैंडल पैटर्न के बारे में बताया है। इसे भी कम से कम आप 11 बार इसका पाठ करें। तीसरी किताब जो मुझे लगता है कि ये है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन। देखिए बिगिनर्स को सबसे बेसिक जरूरी होती है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बारे में समझना, क्योंकि अगर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो आप वो जो लॉसेस होते हैं या जो मेंटल स्ट्रेस होता है ट्रेडिंग में आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जब हम शुरू शुरू में बिगनिंग में ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा तकलीफदायक होता है। लेकिन ये जो किताब है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन, ये बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त किताब है। इन्होंने यहां पर जो बड़े बड़े बबल्स हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देते हुए मार्टिन, ये भी सर मार्टिन प्रिंग की है, देखिए मेरे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, मैं आप उनको वर्चुअली अपना गुरु मानता हूं क्योंकि वो मोमेंटम की स्टडी में बेसी इन्वॉल्व है और मैं भी मोमेंटम का स्टूडेंट हूं, तो मोमेंटम के बारे में मुझे पढ़ के बहुत मजा आता है। तो ये मार्टिन प्रिंग भी जो है मोमेंटम के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है, इन्होंने अपने इंडिकेटर जो KST है इन्होंने काफी इंडिकेटर्स बनाए हैं और इनके इंडिकेटर्स को यूज करने का तरीका भी काफी अलग होता है। तो मेरे हिसाब से ये किताब जो है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन ये बहुत अच्छी किताब है एक बिगिनर के लिए। इस किताब को भी कम से कम आप पांच बार तो पढ़ी ले। किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस, हो सकता है दोस्तों ये थोड़ा सा हेवी रीड हो आपके लिए, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि बिगनर्स को जो साइकोलॉजी होती है मार्केट की वो समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, माइंडसेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने जो रिकमेंडेशन है उसमें तीन किताब मैंने सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर ही और माइंडसेट के ऊपर ही रिकमेंड कर रहा हूं। मैं किताब स्ट्रैटेजीज जो है या स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो सिस्टम्स के ऊपर जो किताबें हैं उसे मैं नेक्स्ट सेशन में आपको रेकमेंड करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इन किताबों पर ध्यान देते हो। डिसिप्लिन ट्रेडर जो किताब है ये भी एक बहुत अच्छी रीड है अपने एटीट्यूड को, जो विनिंग एटीट्यूड जिसे बोलते हैं वो डेवलप करने के लिए। तो इस किताब को भी कम से कम आप मेरे ख्याल से 11 बार तो पढ़ी ले। देखिए इसमें सबसे पहले आप इसके पीछे में देखोगे तो इसमें यही लिखा हुआ रहेगा कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजिकल एंड 20% मेथोडोलॉजिकल। इसका मतलब कि साइकोलॉजी ही सब चीज है, एट द एंड ऑफ द डे साइकोलॉजी इज व्हाट इट रूल्स। देखिए मेथड्स के बारे में तो ऐसा है कि अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर मेथड्स भी यूज करो तो आपको ट्रेडिंग में ओवर द लॉन्ग टाइम अच्छा फायदा हो जाता है, लेकिन मेन डिपेंड करता है साइकोलॉजी, क्या आप कैसा माइंडसेट लेके मार्केट में जा रहे हो। दोस्तों एक और किताब फाइनली लास्ट, ये कोई टेक्निकल राइटर नहीं है लेकिन ये एक आउट ऑफ द मतलब टेक्निकल एनालिसिस के कोई राइटर नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के कोई लेक्चरर नहीं है, ये लियो बाबूता, ये जो इन्होंने किताब लिखा था पावर ऑफ लेस डू लेस टू गेट मोर डन, ये किताब में दोस्तों इन्होंने ये बताया है कि हम जो ट्रेडर होते हैं हम
बहुत चीजों के पीछे भागते हैं शुरू शुरू में कि भाई इन्होंने एलियट वेव सिखाया तो एलियट वेव सीख लूं, ये आरएसआई सिखाया तो आरएसआई सीख लूं, ये सिस्टम ट्रेडिंग सिखाया तो सिस्टम ट्रेडिंग सीख लूं, नहीं यार मैं एल्गो ट्रेडिंग करूंगा, नहीं नहीं मैं एचएफटी करता हूं, अरे यार उन्होंने तो एक अलग ही वेव बनाया है उनसे सीखूं, गैन मेथड सीख लूं या टाइम साइकिल सीख लूं, हर्ट्ज साइकिल सीख लूं, न्यू वेव सीख लूं। तो हम जब शुरू शुरू में टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में कदम रखते हैं तो ये चीज हमें हमेशा बग करती है कि भाई क्या चीज एक्चुअली मार्केट में वर्क कर रहा है और हम उसके पीछे भागते हैं। तो एट द एंड हम देखते हैं कि हमने सब चीजों के पीछे भागा और लास्ट में हम देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं सीख पाए। द पावर ऑफ लेस, इसका मतलब कि कम चीज पे बेसी ध्यान दो, फोकस ऑन लेस एंड डू मोर। तो दोस्तों ये किताब भी आप जरूर पढ़िएगा, ये तो एक बार पढ़ने से हो जाएगा, इतना हेवी रीड भी नहीं है और मैं रेकमेंड करूंगा जरूर इस किताब को आप जरूर पढ़िए, ये आपको अच्छा एक लीप देगा आपके समझ को कि मतलब कि फाइन आर्ट जो लिमिटिंग योरसेल्फ टू वेरी लेस थिंग उसके क्या फायदा होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ किताब आज जो मैंने आज आपको रेकमेंड किया है इनिशियल रीडिंग के लिए, आप इस किताबों को जाके रीड करो एक डेढ़ महीने के लिए, दो महीने के लिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टैक दूंगा किताब का, आप उसे रीड करिएगा। देखिए ये सब किताब मैंने खुद खरीदी है, मैंने इन्हें पेपरबैक खरीदी है क्योंकि मुझे क्या है कि जब तक हाथ में वो किताब की फील नहीं आती मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये पेपरबैक खुद खरीदता हूँ सब किताबों को और पढ़ता हूँ। और किंडल मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो पेज की जो फीलिंग होती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जब तक जो सेंसेशन ऑफ टच जिसे बोलते हैं वो होना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। तो मैं ये किताब इसीलिए ये सब किताबें खरीदता हूँ खुद। आप चाहे तो किंडल वर्जन भी ले सकते हो और ऑडियो बुक्स भी मिलती हैं, तो आप ये सब जाके आप खरीद सकते हो और इसे पढ़ सकते हो, पढ़िएगा जो। दोस्तों अगर आपको हमारा ये मटेरियल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा, नीचे अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए अगर आपको लगता है कि हमारी मटेरियल वर्थ शेयरिंग है। इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत लेता हूं, आऊंगा नेक्स्ट वीक फिर कुछ नया लेके, फिर कुछ नया सीखेंगे, जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। जय हिंद।